जय जय श्री राम। पांचवें चैप्टर में नेपोलियन की दशा, नेपोलियन के हाथ में सत्ता आने से पहले वहाँ 16 में लुई तथा उनके बोरबोर वंश का राज्य था, उसमें भी वासना और विलासिता काफ़ी बढ़ चुकी थी। राजा के प्रमुख सरदारों और सामंतों ने भी कामरूपी भेड़िया अच्छी तरह घुस चुका था। आखिर सन 1789 में वहाँ राज्य क्रांति हुई और लोगों ने विलासी राजा रानी और प्रमुख सहायकों को मार डाला। तदुपरांत इधर नेपोलियन के हाथ में राज्य की भागडोर आ गई थी। वह एक के बाद दूसरी विजय प्राप्त करता जा रहा था। तभी नेपोलियन 26 वर्ष का था तो वह एक 36 वर्षीय सुंदरी जिसका नाम जेजोफिन था और जो चरित्रहीन एवं निर्दयी थी के रूप में लावण्य में गिरफ्तार हो चुका था। उससे उसके विवाह की भी कर लिया था, उससे उसने विवाह भी कर लिया था। सन 1804 में जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसके जोजेफिन के सिर पर राजमुकुट भी पहनाया। उसके कुछ समय बाद नेपोलियन ने उसे तलाक देकर मेरी लूसी नामक युवती से विवाह किया। फिर वह जेजेफिन के आकर्षण पास से मुक्त नहीं हो सका। उसकी वासना की आग बढ़ती ही गई। इतिहास कहता है कि अंत में वाटरलू के युद्ध में जाने से पहले शाम को नेपोलियन स्वयं को पतिता बना चुका था। उसका मन उस मलिन विचारों के कारण युद्ध की योजना तथा निर्देशन कार्य में सही रीति से नहीं जुड़ सका। इसका परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन के भाग्य का तारा टूट गया। वह बुरी तरह परास्त हुआ और संसार के इतने महान सेनापति का दयनीय अंत हुआ। इस हार से जहाँ सैन्य तथा अन्य कारण थे, वहाँ वासना भी एक कारण था, क्योंकि इससे उसकी मानसिक एकाग्रता में और शरीर क्षमता इत्यादि पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। अब मैं आपको अगले चैप्टर में, 6वें चैप्टर में हिटलर की हिस्ट्री बताऊंगा और ब्रह्मचर्य के करने वालों से, ब्रह्मचर्य करने वालों से यही कहूँगा कि वे किसी की न माने, अपने दिल की सुने। अगर दिल कहता है ब्रह्मचर्य करना है तो अवश्य करें, अवश्य करें। ब्रह्मचर्य के करने के बाद आपको पता लगेगा हजारों नहीं करोड़ों लाभ, करोड़ों। जय जय श्री राधे, निताई बोल हरी।